विश्व पुस्तक मेले का तीसरा दिन भी आज समापन की ओर है और इस वक्त यश पब्लिकेशंस के स्टॉल से मैं आपको आज के पूरे दिन की सब अपडेट्स देने के लिए आ चुकी हूँ। सबसे पहले बात करें तो दिन की शुरुआत आज हुई फजले गुफरान जी की बॉलीवुड बायोपिक्स पुस्तक के लोकार्पण से, उसका विमोचन हुआ। उस विमोचन में अमिताभ जी और कविता सिंह जी टीवी एंकर जो हैं मौजूद रहे। अमिताभ जी वरिष्ठ तो बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही सफल रूप से इस किताब के बारे में हमने बातचीत की। बॉलीवुड में बायोपिक्स का जो एक चलन है पिछले एक दशक से, उस पर बातचीत की, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। वैसे में होता क्या है कि जिनकी जिनके संघर्षों के बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी, जब उनके संघर्ष सामने आते हैं तो फिर ये बॉलीवुड के लिए भी चुनौती होती है कि क्या हम उसको 70 mm के बड़े पर्दे पर दिखा सकते हैं और इस तरीके से दिखा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर भी वो फिल्म सुपरहिट साबित हो और साथ ही साथ वो अपनी छपाक भी, जैसे कि कह रहे हैं कि कोशिश यही है कि वो अपनी छाप छोड़ सके। दो फिल्में रिलीज होने वाली है, तानाजी और छपाक दोनों आ रही है। अब ऐसे में कोशिश यही होती है ऐसी फिल्मों के बारे में। और आप देख रहे हैं आजकल बॉलीवुड एक्टर्स भी बहुत चुनौती की तरह काम करते हैं। रणवीर सिंह ने पूरा अपना गेटअप चेंज कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको 83 के कपिल देव को बड़े बड़े पर्दे पर करना था। ऐसे में अगली पुस्तक जिसका आज विमोचन हुआ उसका बड़ा ही रोचक सा नाम है अंधेरे कोने @facebook.com। इसके लेखक हैं अरविंद पथिक जी। अरविंद पथिक जी यूं तो व्यंगकार हैं मगर इस बार उपन्यास लेकर आए हैं और उनकी इस किताब का विमोचन किया वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी ने। आज तक से जुड़े हुए हैं ये, तो देखते हैं कि पंकज जी ने क्या कहा इस किताब के बारे में और इसके लेखक का क्या कहना है, कैसे उनको ये प्रेरणा मिली कि उन्होंने व्यंग काव्य गीत छोड़कर उपन्यास को लिखा है दर्शकों के बीच, पाठकों के बीच लेकर आए। कि दुनिया में अगर हम सिर्फ डिजिटल कोट अनकोट को ही छोड़ दें, दुनिया में हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। कहा जाता है कि डेवलपमेंट अगर है तो उसकी तलवार भी दुधारी होती है, जितना आगे चलती है उतना पीछे भी काटती है। हमें देखना ये होता है कि हमें कौन से वाले पक्ष को साथ लेके चलना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज एक ज़रा सी फेक न्यूज़ पूरे पूरे शहर को जला देती है, लेकिन उसी जलावट में मैं कहूँ या उसी गर्मी में मैं कहूँ, उसी आग में मैं कहूँ, तो एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी उसी भयावता के जंगल से निकली है। इसका नाम है अंधेरे कोने @facebook.com। पथिक जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है, क्रांतिकारी मैं कहूँ कवि हैं, बिस्मिल की धरती से हैं, अशफाक की धरती से हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है इनका काम उस पर रहता है। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी है कि उन्होंने एक प्रेम कहानी को लिखा है। उजाले कोने की तो हम सब बात करते हैं और उजाला कोना यही है कि हम इस दुनिया को लगातार @ से छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बहुत अंधेरे कोने जिसमें बहुत से लोगों की हिपोक्रेसी छुपी हुई है, बहुत से लोगों का दोहरापन छुपा हुआ है। हम फेसबुक पे एक बहुत खूबसूरत चेहरा है और ज़्यादातर लोग फेसबुक पर बहुत खूबसूरत चेहरा है, लेकिन उस चेहरे के भीतर का जो कालापन है, उस कालापन को लिखने का साहस भी जो है बहुत मुश्किल से जुट पाता है ना। क्या हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तो दरअसल इस जो शेर है इसका, इसकी जो महत्ता है उसको अंधेरे कोने @facebook.com बहुत बारीकी से चरितार्थ करता है और इसके जो किरदार है वो आपके सोशल माध्यम के पक्ष को और विपक्ष को बहुत खूबसूरती से सामने लेकर आया है। सोमवार का दिन था लेकिन फिर भी हम देख सकते थे कि कहीं से भी पुस्तक प्रेमियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी आज बहुत से पुस्तक प्रेमी पुस्तक मेले में आए, लोगों ने किताबें खरीदी, अपने पसंदीदा लेखकों से बातचीत की, उनकी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम को उसमें हिस्सा लिया, उसमें भाग लिया। पाठक जो है किताब का, वो आज भी किताब के लिए ही भागता है, किताब को ही पसंद करता है, किताब के पन्नों की जो सुगंध है वही उसको भाती है, मोबाइल की स्क्रीन नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया कितना भी आ जाए, किताब को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसकी जगह नहीं ली जा सकती। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के बुलेटिन का मैं समापन करना चाहूँगी। धन्यवाद।